नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक शेयर, एक स्विंग कॉल शेयर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हालांकि आज मूवमेंट उस स्टॉक्स में आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है। हालांकि कल ही रडार पर आया था मेरे, मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं जरूर शेयर करूं क्योंकि मूवमेंट अभी स्टार्ट ही हुआ है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा स्विंग कॉल से, और आपके पूरा एजुकेशनल वीडियो है ये, आपके लिए एजुकेशनल लर्निंग वीडियो, जिसमें किस तरह से लेवल निकालते हैं, किस तरह से आप चार्ट को देख सकते हैं, किस तरह से लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस। तो चलिए चार्ट पर लेकर चलता हूं। पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टॉक का नाम क्या है? चंबल फर्टिलाइजर। देखिए आपके सामने में, मैं सारे लाइन पहले हटा देता हूं और समझने की शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। चंबल फर्टिलाइजर, आखिर क्यों सेलेक्ट किया है मैंने चंबल फर्टिलाइजर को? तो आप देखिए, चंबल फर्टिलाइजर में अगर आप कुछ पॉइंट को ध्यान रखें, तो एक लो पॉइंट यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर ने बनाया था, जैसा कि 23 दिसंबर 2000 आसपास के पास में ना। इसके पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करें, तो चंबल फर्टिलाइजर में देखें, इसी लो को टेस्ट करने की कोशिश पहले भी यहाँ पे हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पे लो को टेस्ट किया। लेकिन अगर आप और भी चार्ट को छोटा करें, डेली के टाइम फ्रेम पे, किस टाइम फ्रेम पर चंबल फर्टिलाइजर, आप एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप देखते जाइएगा ध्यान से, आप एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को जैसे ही ड्रॉ कराते हैं, तो और आगे ड्रॉ करेंगे, तो ये तीसरा पॉइंट जो है इस ट्रेंड लाइन का आपको आके मैच हो गया है ना। यानी कि वो जो मेरा पुलबैक थ्योरी है, उस पुलबैक थ्योरी पे ये फिट हो रहा है। अब देखिए, पुलबैक थ्योरी का आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बाउंस आता हुआ दिखा है, चार्ट पे दिख रहा है ना, बाउंस आ गया है, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ खोया नहीं है हम लोगों ने। अभी कल ही मेरे रडार पे आ चुका था, लेकिन शेयर नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, है ना, और नीचे छोटा करते हैं, और इसी ट्रेंड लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा। देखिए, हिस्ट्री रिपीटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब इस जगह पे देख रहे हैं ना, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं, तो पता चलता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पहले इसका रेजिस्टेंस जोन होता था। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर कट नजर आ जाए। तो ये थोड़ा इसका रेजिस्टेंस एरिया होता था, आप देखिए मैं पीछे कर रहा है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया होता था। वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर गया किस जगह पर, कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद। ये रेजिस्टेंस एरिया आपका था, बता दूं तारीख 27 जून 2022 के आसपास में, और यहां पर से ब्रेकआउट कर गया लगभग जुलाई में, और ब्रेकआउट के बाद अच्छा ऊपर गया, 365 का हाई मारा, लेकिन फिर आ गया नवंबर से दिसंबर 2022 में डाउन आया, उसी को रिटेस्ट करता है दिसंबर मंथ में, नवंबर में आता है, दिसंबर में रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद वापस से रिटेस्ट करने आया है इसी जगह पर, कल परसों 2-3 दिन से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो और बार बार रिपीटेशन क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री रिपीटेशन क्या है कि स्टॉक जो है इस सेम जगह से, यहां से ये ऊपर की साइड में बाउंस हो जाता है। ये देख रहे, दिस इज बाउंस बैक है ना, ये क्या है, यहां से बाउंस बैक है। तो अकॉर्डिंग हिस्ट्री रिपीटेशन क्या बोलता है, यहां से भी बाउंस बैक होगा। तो देखिए आज इसका इंपैक्ट पड़ गया, ये छोटा सा कैंडल आप देख रहे हैं, ये बाउंस होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये बाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो बनाना, इसलिए मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो यहाँ बाउंस होता हुआ दिख रहा है ये कैंडल, लेकिन क्या खत्म हो गया मूवमेंट? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ भाई, ये इतना जर्नी जाता है ऊपर, फिर देखते हैं सेम हिस्ट्री रिपीटेशन करता है। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, मैं तो चाह रहा था कि ये बाउंस करे, पहले उस थ्योरी को सही साबित करे, तभी मैं बताऊंगा आपको। तो अब यहां पर आपको बाउंस हो के रेडी कर रहा है अपने आपको स्टॉक, और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर गया, डेली के टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम इंक्रीज कर चुका है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर स्टॉप लॉस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा ये बार बार रीटेस्टिंग पॉइंट है, ये जो रीटेस्टिंग पॉइंट है, मुझे नहीं, वहां देखिए रीटेस्टिंग पॉइंट है, वहां आपका स्टॉप लॉस बनेगा। उसी तरह रीटेस्टिंग पॉइंट यहां आ रहा है, तो यहां आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो जहां जहां रीटेस्टिंग पॉइंट है, वहीं तो स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस तो क्लियर कट हो गया ना, 265 रुपए के आसपास में। कितने का स्टॉप लॉस बनेगा? 265 रुपए के आसपास में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना 265 का स्टॉप लॉस, चलिए मैं ही लिख देता हूँ, आप नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ। देखिए छोटा दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। स्टॉप लॉस सबसे पहले लगा लीजिए 265। हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉप लॉस 265 रुपए का लगा लिया, बहुत बढ़िया। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंट्री प्राइस, यही तो है
यही तो है इंटरप्राइज सीएमपी। आप सीएमपी पे भी, सीएमपी कितना चल रहा है 282.75 रुपए, तो आप सीएमपी पे भी ले सकते हैं बाय एक। देखिए आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लीजिएगा, मैं एजुकेशनल के लिए बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने बोला सर मैंने ले लिया, आप करें संतुष्ट हो जाए, रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लीजिए, उसके बाद एंट्री करिए, मेरे कहने पर मत लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाए तभी। तो बाय एक सीएमपी, आप सीएमपी पे भी ले सकते हैं, सीएमपी मतलब करेंट मार्केट प्राइस, आप करेंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। और इन केस अगर ये ऊपर निकल जाता है बाय एबव 285, बाय एबव 285 के ऊपर भी निकल जाता है तब भी आप ले सकते हैं। तो दो चीज तो समझ में आ गया कि हमने स्टॉप, मैं कलर बदल दूं क्या, स्टॉप लॉस 265 का लगाएंगे और करेंट भाव पे भी लेंगे और 285 के ऊपर निकलता है तब भी लेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ, अब टारगेट, तो टारगेट भाई जहां पर से रिजेक्शन लेता है 300, पहला टारगेट ध्यान से समझिए, फर्स्ट टारगेट 300, पहला टारगेट 300 रुपए का आपको यहाँ पे बनेगा भाई, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है 300 वाला रिजेक्शन। दूसरा रिजेक्शन पॉइंट 315, सेकंड टारगेट यहाँ पे लिखिए, सेकंड टारगेट 315, और भी अगर मूवमेंट आया इसमें, अगर और भी मूवमेंट आया तो थर्ड टारगेट भी देने की क्षमता रखता है जो कि 330 रुपए का आता है। तो आपको ये दो तीन चीज मैंने समझा दी। आप कुछ लोग कहेंगे सर नजर नहीं आया, सर नजर नहीं आ रहा है प्राइस, सर ये वगैरह बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता भी जा रहा हूँ ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं कहाँ गया, वो मेरा शेयर का प्राइस टारगेट, फर्स्ट टारगेट कितने का बताया था, 300 रुपए का, सेकंड टारगेट कितने का बताया था, सेकंड टारगेट 315 का, और थर्ड टारगेट कितने का बताया था भाई, 330 रुपए का। ये याद रखिएगा, इसमें आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ये तीन टारगेट और करंट प्राइस पे लेना है, सीएमपी पे भी लेना है, 285 पे ऊपर भी ले सकते हैं, स्टॉप 265 का लगाएंगे। तो क्यों सिलेक्शन किया, कैसे सिलेक्शन किया, पुल बैक थ्योरी है, ट्रेंड लाइन से बाउंस होता है, हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है, तो आगे भी हो सकता है, करंट पे सी दिखा भी रहा है कि हाँ हिस्ट्री रिपीट कर रहा है वहां पर से, इस वजह से स्टॉक को सिलेक्ट किया गया। तो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा चीज है दोस्तों, इसीलिए स्टॉक का सिलेक्शन हो गया है ना। तो उम्मीद है आपको सारे लेवल पता चल गया, क्यों सिलेक्शन हुआ ये भी पता चल गया। तो जल्दी से फीडबैक कर दीजिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।